तो भाई लोगों आ चुके हैं एक और कॉन्करर लॉबी के गेम प्ले के साथ में। एंड आज वाली वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जो भी लोग एस मास्टर पे अटके हुए हैं, एस पे अटके हुए हैं, या फिर उनके 4600 4700 4800 इस तरीके से पॉइंट है ना उनके लिए। तो अभी के लिए 5000 पॉइंट्स पे अपने को कॉन्करर मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को हर एक मैच को खेलना है ताकि आप लोग को हर एक मैच में प्लस मिले एंड हर एक मैच से आप लोग आगे आगे पुश करते रहो। तो अभी देखो मैं गेम प्ले के थ्रू आप लोग को सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं ना यहाँ पे स्कूल पे उतर चुका था क्योंकि दो मैचेस मेरे ख़राब चले गए। दोनों मैचों में मेरे को #20 पे मरने से मेरे को जो जो प्लस मिला वो है 2-2। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रस करके खेला जाए और मतलब सर्वाइव भी और रस भी। तो इस तरीके से खेलने के लिए मैंने स्कूल चुना। आप भी आपसे खेल सकते हो इस तरीके से अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि यार हाँ मैं बंदों को फिनिश कर दूंगा तो है ना। अदरवाइज आप लोग इस तरीके से अंधा मत घुसना, नॉर्मल सेफ खेलना एंड वहाँ से आगे की रोटेशन देना। अभी के लिए देखो मैं स्कूल पर आया था एंड मैंने उतरते ही एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि बंदा इधर आया है। तो आया है तो बस मैं समझ गया कि भाई ये बंदा डेफिनेटली ऊपर चढ़ चुका होगा। तो इस वजह से मैं सेफली लूट रहा था। मतलब मेरे को लगा कि यार अगर मैं ऊपर छत पे लूटूंगा तो डेफिनेटली वो बंदा मेरे को पेल सकता है और मेरा गैस बिल्कुल सही था। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे बॉट की साउंड आती है ओके एंड ये एक दूसरे को मार रहे होते हैं बॉट। तो मैं सोचता हूँ कि अभी के लिए किल लेने के लिए चलते हैं एंड मेरे को यहाँ से स्पॉट भी होता है बॉट लेकिन इतना अच्छा एंगल नहीं होता। इस वजह से मैं सोचता हूँ अभी के लिए आगे चलते हैं एंड आगे आने के बाद जैसे मैं इधर की साइड आता हूँ तो एक बॉट तो फिनिश हो गया एंड जैसे यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को दिखता है कि राइट साइड से बॉट आ रहा है। तो मैं उसको मारने के लिए आगे आया लेकिन उसी टाइम से लेफ्ट साइड में एक ऊजी चली। तो मैं समझ गया कि भाई साहब ये बंदा अभी भी कैंप कर रहा है। तो मेरा गैस एकदम सही था। अब मैंने गैस लगाया कि ये जो बंदा है ना उधर से फायर आया तो इसका मतलब वो उसी कोने पे है। मतलब एक्सपेक्टेड था कि यार हाँ वो ही कोने पे होएगा एंड अब ये वाला नेड देखो आप लोग। था ना हैकर वाला नेड। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप लोग जब भी किसी भी ड्रॉप में जाओ, किसी भी ड्रॉप, अब ये मेरा ड्रॉप नहीं है लेकिन मैं आया हूँ ना इस जगह पे तो मेरे को ध्यान था कि यहाँ पे बंदा आया है, मेरे साथ लैंड किया है। तो मेरे को फोकस रखना होगा कि भाई कभी भी मेरे को ओपन में नहीं जाना है, आराम से होल्ड करना है। एंड उसके बाद मैं बग्गी उठा लेता हूँ। बग्गी उठाने के बाद जैसे मैं इस वाली जगह पर आ रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ड्रॉप पर नहीं रुकता, पहले मैं स्पॉट करता रहता हूँ एंड मेरे को स्पॉट हो जाता है कि राइट में बंदा है एंड बढ़िया रहा मैं रुका नहीं क्योंकि मेरे पास एक तो लेवल 1 का हेलमेट ऊपर से 1.5 के पास ओम, तो भाई दिक्कत ये हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या पता बंदा ओपन में आ जाए तो मैं मारूँ। अब देखो ये गलती है मेरी, आप लोग को ये गलती नहीं करनी, कभी भी इस तरीके से ओपन में नहीं रुकना है। अब देखो राइट साइड में स्कूल है ना तो मेरे को स्कूल में जाना है एंड स्कूल में जाके फिर मारने की ट्राई करनी। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकता, मेरे को कॉन्फिडेंट रहता कि यार लाइक मैं इधर रुकूंगा ना तो मैं किल्स निकाल सकता हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ यार अभी के लिए ओपन में तो मेरे को जल्दी निकलना होगा। तो मैं फटाक से स्पॉट करके इधर से निकल जाता हूँ एंड जो निकलने के बाद सीधे से मैं जाता हूँ स्कूल की साइड में एंड सबसे पहले जो अपनी व्हीकल है ना उसको सेफ लगता हूँ। मतलब लाइक ऐसा सीन है कि अगर आपके पास एक व्हीकल है ना तो आप लोग सोलो में सर्वाइव कर सकोगे। तो मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि मेरे को व्हीकल को सेफ रखना है कैसे भी। अब मैंने स्कूल के अंदर लगा दी व्हीकल और आराम से होल्ड करने आ जाता हूँ ये वाली जगह पर जहाँ पर सामने की साइड में नॉर्मली फाइट हो रही है और ये बंदा जो किल करे जा रहा है मतलब मस्त ओम वम चलाए जा रहा है। तो मैं समझ चुका था कि भाई अगर मैं पीक करा तो मैं पिटने वाला हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास ये देखो राहुल SS नाम का बंदा है ना। तो यही बंदा अब ये गलती करने वाला है, वो क्या करने वाला है इसको पता है कि मैं इधर थोड़ी देर पहले आया हूँ लेकिन फिर भी ये बंदा लूटने आता है एंड फिर मैं आराम से वेट करता हूँ कि जैसे ये गाड़ी में बैठेगा उसी टाइम पे पेल दूँ। और ये गाड़ी में बैठता है ईजी इसको पेलते हैं और मैं समझ गया कि अब मेरे को M4 सब कुछ मिल जाएगी क्योंकि इसके पास अच्छी खासी लूट थी। लेकिन मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि देखो मैंने फायर किया है, ओपन में फायर किया है तो डेफिनेटली आसपास बंदे होंगे तो मेरे को गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। एक उसकी पेटी पर करता हूँ, एक नीचे करता हूँ जिस वे से मेरे को जाना है। तो आराम से लूट कंप्लीट करी उसके बाद मैं वापस से आ जाता हूँ और देखता हूँ कि जोन शिफ्ट हो चुका है। तो मैं सोचा कि अभी मेरे को जोन का सेंटर लेना है, अभी मूव करूँगा। मतलब जैसे जोन शिफ्ट हुआ वैसे मैं मूव कर दिया एंड मूव करने के बाद आता हूँ ये वाली जगह पर जहाँ पर आते ही मैंने ना डायरेक्ट स्क्वाड हाउस नहीं लिया, पहले मैंने चेक करा कि क्या स्क्वाड हाउस में बंदा है और मेरे को स्पॉट हो चुका था बंदा। तो मैं तुरंत से इधर से मूव कर जाता हूँ और मेरे को लगा कि अभी के लिए स्क्वाड हाउस जाना रिस्की रहेगा, इस वजह से मैं स्क्वाड हाउस में नहीं जाता। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब एक ऐसा है कि कोई भी कंपाउंड होल्ड करने जा रहे हो तो पहले दूर से कोई भी अपर एडवांटेज लेके ये चीज़ चेक कर लो कि क्या उधर बंदा है, या फिर अगर नहीं भी चेक करते हो तो पहले उसके आसपास घुमा लो ताकि आप लोग को पता चढ़ जाए, है ना। उसके बाद मैं जैसे मैं इधर जोन देखता हूँ तो जोन मेरे से अगेन शिफ्ट हो चुका था। सो मैं मार्क लगाता हूँ कि यार इधर पानी के साइड में ना एक वो है मतलब डिप सा जिधर मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन भाई उधर देखो क्या सीन रहता है। मतलब देखो मैंने मार्क लगाया और जोन के सेंटर में भी था लेकिन भाई उधर से हो जाता अपने साथ कांड। लाइक मैं जैसे इधर से निकलता हूँ तो
उसी टाइम पे भाई आप लोग देखो कि लाइक बग्गी आ जाती है राइट साइड में, दिख गए होगे आपको, वो बग्गी वाले से मेरी फाइट हो सकती थी, लेकिन देखो मैं किस तरीके से, मतलब एक तरीके से ना कांड भी क्या हुआ कि मैं वो वाली जगह नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया। एंड जैसे ही मैं आता हूँ ये वाली जगह पे तो मैं देखता हूँ कि फायर हुआ है और तुरंत से फिर मैं बोलता हूँ कि यार अभी के लिए वो जगह सेफ नहीं है। तो मतलब एक तरीके से कांड ये भी था कि भाई बच भी गया, लकी भी था मैं, तो बढ़िया रहा वो कांड हुआ कि वो बग्गी दिखी, अदरवाइज मेरे को दिक्कत हो सकती थी। उसके बाद मैं काफ़ी देर इधर होल्ड करता हूँ लेकिन जोन शिफ्ट हो जाता है, तो मतलब इस वाले मैच में ना जोन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होता। तो कई मैचेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप लोग को जो जोन है वो साथ नहीं देगा। तो मतलब ये वाली जो वीडियो ना आप लोग को लग रही होगी कि यार मैं किल्स नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली में ये वाली वीडियो किल्स के लिए नहीं है, मेनली है कि सर्वाइव कैसे करना है। तो अब यहाँ पर राइट साइड में बंदा था तो मैं बिल्कुल फायर नहीं करता, लाइक मैं सीधे से निकल जाता हूँ। मेरे को पता था कि इसको पोजीशन मेरी पता है क्योंकि मैंने स्मोक किया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार क्या पता मेरे को एक एंगल मिल जाए और मैं उसको फिनिश कर सकूँ, लेकिन वो एंगल मिलता नहीं। फिर मैं तुरंत से मूव करता हूँ और आता हूँ ये वाली जगह पर जहाँ पर जो पूरा जोन है वो ओपन में बन चुका है और लेफ्ट वाला कंपाउंड ही एक सिंगल कंपाउंड है जहाँ पर बंदे हैं, लेकिन मतलब सॉरी जोन है। तो मैं उधर जाता नहीं क्योंकि मेरे को पता था कि उधर वो बंदे डेफिनेटली होंगे, तो मैं इधर घूमता रहता हूँ। लेकिन भाई एकदम से मेरे पे मतलब चारों तरफ से फायर वायर आने लग जाते हैं, हर तरफ बंदे थे, तो मैं सोचा ये ओपन में हूँ, फालतू में रिस्क नहीं लेते, मैं सीधे से जाता हूँ। और यहाँ पे देखो एक ग्लिच, लाइक मैं उतर गया एंड उतरने के बाद भाई देखो मैं कितना जंप करता हूँ, लाइक देखो ये देखो प्रॉपर जंप है ये, कोई ये नहीं कि पैनिक जंप है, नहीं कतई नहीं। तो भाई आप लोग सोच सकते हो कि ये जो गेम है वो कितने लेवल तक ख़राब हो चुका है। सो उम्मीद है ये गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से ये गेम जा रहा है ना अभी के लिए, सब लोग का मन इंटरेस्ट सब खत्म हुए जा रहा है, हैकर्स बढ़ रहे हैं एंड ग्लीचे बढ़ रही है, मतलब एक तरीके से गेम बर्बाद हो चुका है। तो डेफिनेटली ये गेम जाने वाला अभी, लेकिन कई लोग देखते हैं अभी जब अगर ये सही टाइम पे फिक्स कर देते हैं तो ये गेम बचा रहेगा, अदरवाइज ये जाएगा ही। और बाकी तो अपना प्यार है इस गेम को तो इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला कोई भी। एंड उसके बाद देखो काफ़ी देर इधर वेट करता हूँ लेकिन जोन आ जाता है और मेरे को पता था कि ये बंदा आएगा डेफिनेटली, तो इसको मारा। मारने के बाद सीधे से मूव करता हूँ और मेरे को एक ही दिमाग में चल रही थी कि भाई अगर मैं गलती से भी इधर टाइम लगाता हूँ तो ये बंदा ऊपर रुक के मेरे को मार सकता है। तो मैं फटाक से व्हीकल उठाता हूँ, आता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे रुकता हूँ एंड देखता हूँ कि राइट में फाइट हो चुकी है वही बग्गी वाले की। सो यहाँ पे थोड़ा सा नेट भी चोक किया और मैं भी चोक किया, तो इस वजह से ये बंदा तो बच जाता है। और अभी के लिए देखो ये वाली जगह पे अब अपन लाइक सर्वाइवल हो गया, अपन टॉप 10 में आ गए तो अपने को अच्छा खासा प्लस मिल जाने वाला है। तो बस दिक्कत यही थी कि है ना अपने को टॉप 10 में कैसे आना, टॉप 10 में बस इसी तरीके से जाना, आप लोग को यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब राइट साइड में वो बंदा जा चुका था तो मैं अब यहाँ पे तो एक चीज़ सोच लिया था कि मेरा बचना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक तो मेरे पास बगी है एंड बगी में कई बार इस वजह से भी प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्या एक थोड़ा सा बचा लेती है इस वजह से मैं प्रेफर भी करता हूँ। बड़ा व्हीकल होता ना तो मैं यहाँ पर रुकता एंड रुकने के बाद देखो ये पेड़ पर रुकता आराम से, लेकिन ये देखो क्या क्या कांड हुआ भाई, लिटरली मैं बग्गी रुकी ही नहीं एंड उसके बाद मैं सिंगल कंपाउंड था जिसमें बंदे थे और आराम से मेरे को फिनिश करते थे। उम्मीद है गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते